पत्रकारों ने शोक संवेदना व्यक्त कर की बैठक। बैठक में हुआ सम्मान समारोह। इंदरगढ़ कस्बे के निजी गेस्ट हाउस में शोक संवेदना व्यक्त कर एक बैठक की। हाल ही में दो दिन पहले तेरवा हिंदुस्तान रिपोर्टर नीलम सक्सेना की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पत्रकारों ने शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। पत्रकार साथी के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक कर आपस में चर्चा की गई। बैठक में आए पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह किया गया। कस्बा के स्थानीय रिपोर्टर रामजी तिवारी ने आए सभी पत्रकार साथियों को माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। रामजी तिवारी ने बताया कि पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर बैठक की गई, जिसमें कन्नौज के कई पत्रकार के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्वागत सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। नहीं दे पाऊंगा, आप आ रही वो बेचारा अपने मकान मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम पैसे की व्यवस्था करके आपको दे देंगे, लेकिन वो मकान मालिक नहीं मान रहा था। वहां से एक हमारे गली का पत्रकार गुजर रहा था, उसने जब उसने घटना को देखा, उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छी घटना है, इसको पेपर में छापा जाए बहुत अच्छी बात है। उसने उसके बारे में बात की और उसने हेडिंग भी सोच ली कि क्रूर मकान मालिक ने गरीब किराएदार को सामान सहित बुजुर्ग किराएदार को मकान से बाहर फेंका। वो न्यूज बना के लेके गया अपने ऑफिस में। उन्होंने अखबार के मालिक को जब वो दिखाई, उसकी फोटो दिखाई, तो उसके मालिक ने उससे ये पूछा कि क्या अपने पत्रकार से क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं। बोला नहीं जानते। बोले कल आप सब जान जाएंगे ये कौन व्यक्ति था। दूसरे दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पे एक हेडिंग छपी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा को किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने सामान सहित बाहर निकाला। ये सब घटना है, आप लोग इसके बारे में कहीं से भी गूगल से सर्च करके देख लें। जिस समय वो घटना अखबार में छपी तो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मंत्रालय, पूरा भारत हिल गया कि भारत का एक दो बार हमारे गुलजारी लाल नंदा जी दो बार प्रधानमंत्री रहे, थोड़े कार्यकाल के लिए कार्यवाहक रहे, लेकिन प्रधानमंत्री थे। पूरा मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर पूरा जो है कार्य प्रणाली उनके दरवाजे पर सुबह पहुंच गई। दोबारा दरवाजे पर जिस समय पहुंची तब मकान मालिक ने भी ये जाना कि हमारा किराएदार तो पूर्व प्रधानमंत्री है। तो एक पत्रकार की सहायता से एक प्रधानमंत्री को जब सहायता मिल सकती है तो हम लोग किसकी सहायता नहीं कर सकते। पत्रकार बहुत बड़ी चीज बातचीत होती है, लेकिन भाई जो भाइयों ने, भाई लोगों ने हमारे कहा केवल आप लोग अपनी गरिमा बनाए रखे। हमारे यहाँ भी जो राजू जी के साथ व्यवहार हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और राजू जी को मैं ये वचन देना चाहता हूँ कि प्रदेश कार्यकारिणी आपके साथ तन मन धन से हर तरीके से खड़ी हो। आप किसी कीमत में अपने को छोटा मत समझें, अपने को कमजोर ना समझें। आगे जो होगा प्रदेश कार्यकारिणी खुद ही उसमें निर्णय लेगी। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज से यश त्रिपाठी की रिपोर्ट।